हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने पार्ट जो है फिजिक्स के पार्ट टू देख लिए होंगे, जिसमें हमने पार्ट वन में कंप्लीट यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दूरी और विस्थापन, तो इसके अंतर्गत और बहुत सारे चैप्टर आएंगे। हम फिजिक्स वाइज चला रहे हैं आपको, जैसे आपको देखना है तो फिजिक्स पार्ट वन देखो, पार्ट टू देखो, तो ये पूरी फिजिक्स उसमें आ जाएगी और उसके अंतर्गत चैप्टर भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चैप्टर नहीं पूछे जाते। मतलब चैप्टर मतलब ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर में है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल चल दो चैप्टर वाइज रहा है। कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, उनके लिए पार्ट्स एक से दो से तीन भी बन सकते हैं। दूरी और विस्थापन का ये पार्ट नंबर थ्री है, सॉरी दूरी विस्थापन का ये पार्ट तो वन है लेकिन फिजिक्स का पार्ट थ्री है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पार्ट वन में हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था यूनिट एंड डायमेंशन, पार्ट टू में कंप्लीट पढ़ा दिया था सदिश और अदिश, अब पार्ट थ्री में दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे, पार्ट फोर में इसके आगे त्वरण पढ़ेंगे, फिर पार्ट फाइव में पढ़ेंगे गति के नियम। तो ऐसा करके हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें, हम यहाँ पर आपको आई बटन जो रहता है वहाँ पर दे देंगे। वीडियो लास्ट, ये वीडियो फिनिश होगा उसके लास्ट में भी वीडियो आ जाएगा आपको, ठीक है। आज तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे, गति और वेग पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये दोनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, कुछ हद तक एक जैसी हैं भी, इनमें डिफरेंस समझेंगे। और ये जो साइंस है वो आपको पूरी तरीके से रेलवे को तो है ही है, साथ साथ में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगे हों जिनमें साइंस पूछी जा रही हो तो आप ये लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा और जो है आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि भैया दूरी क्या है। तो ध्यान देना, दूरी क्या है, मेन चीज़, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ है। यहाँ पर एक शब्द आ गया कुल पथ, बस इतना ही काम का है। चाहे पथ की दिशा कुछ भी हो, पथ की दिशा कुछ भी हो, मतलब ऐसे चले फिर ऐसे चलने लगे, फिर ऐसे चलने लगे, फिर ऐसे चलने लगे, यहाँ से चले थे तो ये पूरी दूरी जो है ये वाली, ये यानी कि कुल पथ की लंबाई जो है वो दूरी कहलाती है। चाहे पथ की दिशा कुछ भी हो, दूरी को अदिश राशि के रूप में जाना जाता है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, ये ध्यान रख लीजिए, पीछे पढ़ाया भी है, हमने बताया भी था। तो जो यूनिट एंड डायमेंशन है और सदिश अदिश है, ये सब चैप्टर में चलती रहती है। दूरी अदिश राशि के रूप में जाना जाता है क्योंकि केवल तय किए गए पथ की लंबाई मापी जाती है और गति की दिशा पर विचार नहीं किया जाता है। दूरी कभी भी शून्य या नकारात्मक नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। दूरी जो है कभी भी शून्य और नकारात्मक नहीं होगी सकती, यह केवल और केवल सकारात्मक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूरी के बारे में, यानी कि कुल पथ की लंबाई होगी, दिशा से कोई मतलब नहीं होगा, और दिशा से मतलब नहीं है मतलब ये अदिश राशि हो जाएगी, और दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या धनात्मक हो सकती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। दूरी से बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अब आइए दूरी का अगर हम सूत्र निकालने की कोशिश करें, दूरी किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई है, ये दूसरी उसकी परिभाषा हो सकती है। हम जानते हैं कि भैया गति बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, गति, भैया गति कह लीजिए या चाल कह लीजिए, चाल बराबर आपने क्या पढ़ा है, दूरी बटा समय। तो आपको दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय कर लीजिए, यानी कि गति गुणा समय कर लीजिए, ये दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, इससे आपकी दूरी निकल आएगी, ठीक है। अगला अब पढ़ते हैं विस्थापन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूरी की जैसा। विस्थापन को सदिश राशि के रूप में जानते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये बात है, सदिश राशि के रूप में जानते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तित स्थिति के परिमाण के साथ साथ गति की दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। विस्थापन संपूर्ण पथ की लंबाई की विस्तृत जानकारी नहीं देता है। विस्थापन की गणना के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वाले स्थिति की आवश्यकता होती है। विस्थापन का पद हमेशा सीधी रेखा वाला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, विस्थापन का पद हमेशा सीधी रेखा वाला होता है। मतलब हम अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो अब देखिए अगर हम विस्थापन पूछें तो जैसे मान लेते हैं ये पाँच है, ये तीन है, ये दो है, ये तीन है, तो अगर हम दूरी पूछेंगे तो दूरी होगी पाँच और तीन आठ और दो दस और तीन तेरह, तो दूरी होगी आपकी तेरह।
लेकिन अगर विस्थापन पूछोगे तो विस्थापन सीधी रेखा वाला पथ है, तो सीधी रेखा ऐसे ऐसे ये 5 और ये वाली यहाँ, यानी कि 5 और ये 2 7, तो विस्थापन होगा 7। ठीक है, इसीलिए विस्थापन एक सीधी रेखा में होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक कैसे होगा, यही हम फिर इधर को चलने लगे इधर को, तो भी ये ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इन सभी बातों को, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी दिखाया गया है कि देखिए डिस्टेंस तो ये टेढ़ी वगैरह ये ऐसे करके ये ऐसे चल सकता है, ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से, लेकिन अब विस्थापन जो होगा वो एक सीधी रेखा में होगा, विस्थापन है ये, और ये टेढ़ा मेढ़ा क्या है, दूरी है। कोई ज़रूरी नहीं दूरी भी हो, जैसे मान लेते हैं ये दूरी है तो विस्थापन भी यही होगा। दूरी और विस्थापन एक जैसे कब होंगे, जब बिल्कुल एक जैसी जो है एक तरफ को ही चलें और बिल्कुल सीधी रेखा में चलें, तो दूरी और विस्थापन एक ही होंगे। ठीक है, अच्छा विस्थापन का सूत्र, विस्थापन सूत्र गणितीय रूप में विस्थापन को दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना विस्थापन कहा जाता है, के रूप में परिभाषित किया गया है विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र। तो विस्थापन अगर आपको ज्ञात करना है तो डेल्टा एक्स बराबर एक्स एफ माइनस एक्स जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स एफ मतलब है वस्तु का अंतिम स्थिति, एक्स मतलब हम लोग विस्थापन मान लेते हैं, और एफ मतलब होता है फाइनल, और ओ यानी एक्स ओ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, और डेल्टा एक्स मतलब वस्तु का विस्थापन, यानी डेल्टा एक्स का मतलब होता है अंतर यानी कि परिवर्तन, यानी कि फाइनल बिंदु और अंतिम बिंदु, फाइनल बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों के बीच का अंतर जो है वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हमने विस्थापन निकाला था अभी, अब हम लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो भैया दूरी और विस्थापन में अंतर आपको जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ है, तो जब कुल पथ आ जाए चाहे दिशा कुछ भी हो तो वो दूरी कहलाती है, और विस्थापन की गति की दिशा के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाले कुल परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि दिशा को भी ध्यान रखना जाएगा और जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। दूरी को डी से डिनोट करते हैं जबकि विस्थापन को स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। जब दूरी की गणना की जाती है तो उसकी दिशा को नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो केवल पथ की लंबाई पर विचार किया जाता है, और जब विस्थापन की गणना की जाती है तो पथ की लंबाई और वस्तु की दिशा दोनों पर विचार किया जाता है। दूरी की गणना करने के लिए गति गुणा समय अभी हमने बताया, विस्थापन की गणना के लिए वेग गुणा समय। ये वेग गुणा समय क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणा समय। दूरी केवल सकारात्मक हो सकती है, जबकि हमने विस्थापन को क्या बताया, धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, तो ये अंतर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वही चीज़ आपको फिर से पढ़ा दी गई। चलिए अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको ध्यान दीजिए। एक कण ने 1 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी और 200 मीटर का विस्थापन तय किया, गति के दौरान कण की गति और वेग बताइए। अब देखिए दोनों चीज़ें समझिए पहले, अभी हम लोग गति और वेग को पढ़ेंगे भी। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय, और जो गति होता है, गति कह लीजिए या चाल कह लीजिए, ये होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो एक कण ने 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब होता है कि 100 सेकंड, 100 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय की, तो और दूरी कितनी तय की है 1000 मीटर की, और विस्थापन कितना हुआ है 200 मीटर का। तो हमें पूछा गया है गति के दौरान कण की गति और वेग बताइए, तो सबसे पहले हम लोग वेग निकाल लेते हैं। चलो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन हुआ है 200 और समय है आपका 100, तो 100 से 200 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। और अगर गति की बात करोगे तो दूरी कितनी है 1000 और विस्थापन कितना है, सॉरी समय कितना है 100, तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि गति आ गई, सॉरी आपकी जो गति आ गई वो 10, अच्छा
मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपसे वेग पूछा गया है, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड और गति का मात्रक भी मीटर पर सेकंड, गति पूछी गई ना, हमने सोचे वेग वेग विस्थापन के मान क्वेश्चन चल रहा था, वेग विस्थापन का ध्यान रहा, तो वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन था आपका 200, समय था आपका 100 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, गति दूरी थी आपकी 1000 और समय था आपका 100, तो यहां पर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगला, एक कार की गति 5 मीटर पर सेकेंड है और पूरी यात्रा में लिया गया समय 5 मिनट है, 5 मिनट को 60 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि गति भी दी गई है 5 मीटर प्रति सेकेंड। उस जानकारी से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो भैया उस जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, आपके पास अगर समय हो और चाल हो तो आप क्या निकाल सकते हो, आप दूरी और विस्थापन निकाल सकते हो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है आपकी 5 और समय कितना है आपका 300 सेकेंड, तो 5 दिया 1500 मीटर दूरी हो गई। और अगर अगर ये जो है वेग था, अगर ये वेग था तो इसका विस्थापन भी 1500 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि अगर एक सीधी रेखा में चल रहा होगा तो जितनी दूरी होगी उतना ही विस्थापन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने शाम को अपने शहर में घूमने का फैसला किया, उसने अपने घर से शुरुआत की और 30 मिनट में लगभग 1500 मीटर की यात्रा की, आखिरकार वह अपने घर वापस आ गया, निम्नलिखित मात्राओं को मान ज्ञात कीजिए, यानी कि रफ्तार बताइए, विस्थापन बताइए, वेग बताइए। तो चलिए जो भी जानकारी दी गई उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। एक लड़का अपने शहर शाम को अपने शहर में घूमने चला और उसने अपने घर से शुरुआत की और 30 मिनट यानी कि समय आपको दिया गया है 30 मिनट गुणा 60 सेकेंड, मतलब ये सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, और 15 मीटर की यात्रा की, तो यानी कि 15 मीटर अब आप यूं कह लीजिए कि यहाँ पर आपको दूरी दी गई है 1500 मीटर। अब देखिए आखिरकार वह अपने घर वापस आ गया, अब मान लेते हैं यहाँ से चला था घर से, कहीं पर भी गया होगा, चाहे कहीं पर भी गया हो वो अपने घर वापस आ गया, तो जहां से चला था व्यक्ति अगर वहीं आ जाता है तो विस्थापन जीरो हो गया, विस्थापन शून्य, क्योंकि जहां से चलेंगे वहीं वापस आएंगे तो विस्थापन शून्य होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां से चले, यहां गए फिर यहां गए, तो दूरी तो ये सब जुड़ जाएगी, दूरी में क्या होगा सब जुड़ जाएगा, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो रफ्तार अगर आपसे पूछनी है, तो यानी कि चाल अगर पूछनी है, चाल अगर ज्ञात करनी है, तो दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितनी है, दूरी आपकी 1500 और समय कितना है, समय आपका 30 गुणा 60, तो एक और दो जीरो कट जाएगा, एक और दो जीरो कट जाएगा, तीन से काट दो 15 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड ये आपकी दूरी हो गई। विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन आपका हो गया 0, वेग कितना हो गया, तो दोस्तों वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो विस्थापन 0 है, समय तो आपका है 30 गुणा 60, तो बराबर 0 हो जाएगा, मतलब 0 को किसी से भी भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि रफ्तार तो आ गई आपकी 5/6 मीटर पर सेकेंड, साथ साथ में विस्थापन 0 है तो वेग भी 0 होगा, ठीक, ये अपना आंसर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चाल को, चाल क्या होता है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय यानी कि जहां पर भी समय लिया जाएगा बटे में वो एकांक समय लिखा जाता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, विस्थापन को नहीं, देखो यहां पर क्या लिखा है दूरी को, अगर यहीं पर विस्थापन लिख दोगे तो फिर वेग कहेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सभी लोग जानते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये सभी जानते हैं, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड। यह एक अदिश राशि है, कौन सी, चाल, जब आपने सदिश अदिश पढ़ा था तो भी हमने बताया था यह एक अदिश राशि है, और इसकी अगर विमा निकालने चाहें तो दूरी को हम लोग यल से लिखते हैं और समय को हम लोग टी से लिखते हैं, तो यल अपान टी मतलब एल टी माइनस वन, ये इसकी विमा है, तो विमा भी साथ में देख ली, ठीक है। चलिए अगला देखिए वेग, वेग देखिए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को,
वेग कहते हैं। तो मतलब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ये भी बताते चले आए इस। और विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, तो इसको भी लोग मीटर में मापते हैं और समय को हम लोग सेकेंड में मानते हैं, तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी अगर विमा निकालने चलें तो मीटर मतलब एल लंबाई और समय मतलब टी, तो ये भी हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो आपने देखा वेग बराबर चाल, यानी कि वेग और चाल की दोनों की विमा कैसी है, समान है। यह एक सदिश राशि, मोस्ट इंपोर्टेंट, चाल अदिश थी या सदिश है। अच्छा जो भी ध्यान रखें, मान लेते हैं यहाँ पर एक पद है, एक पद यहाँ पर है और कोई पद बटे में, अगर ये सदिश है तो ये भी सदिश होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये अदिश है तो ये भी अदिश होगा ज़्यादातर। चलिए अब वेग तो आपने दो तरीके से पढ़े होंगे, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। जहाँ से वस्तु चालू होती है यानी कि चलना शुरू करती है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, जिसको स्मॉल यू से लिखते हैं, और जहाँ पर वस्तु पहुँच जाती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग, उसको वी से लिखते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये आपके उसमें जरूर काम आएगा, आप समझने में भी काम आएगा, और ये जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो भी आपको यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब चाल और वेग में अंतर समझ लेते हैं। चाल या चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसीलिए अदिश राशि है, और वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर है, बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु की जो चाल है वो उसके परिमाण के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी होती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, ये बात तो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। यदि एक कार पश्चिम दिशा में, ध्यान रखना पश्चिम दिशा में, 900 मीटर की दूरी 90 सेकेंड में तय करती है, तो कार की गति और वेग बताइए। तो भैया गति अगर आपको निकालनी है तो दूरी बटा समय, तो दूरी 900 है और समय है 90, तो काट देंगे 0 0 और 9 से 9, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। और कार का अगर वेग ज्ञात करना है तो एक कार पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में मतलब ये विस्थापन भी था, तो 900 बटा 90, तो काट देंगे आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ, पश्चिम में। तो भैया अगर वेग पश्चिम में है तो सॉरी अगर आपका विस्थापन पश्चिम में है तो वेग भी पश्चिम में ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको वेग के साथ में दिशा लिखना जरूरी है, इसीलिए इन सवालों को आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो छोटी मोटी जो चीज़ें आप जो जो एग्जाम्स देते हैं ना ऑप्शन में फंसा के आपको गड़बड़ कर लेता है, वो नहीं होगी। यदि एक कार एक समान गति से चलती हुई 6 सेकंड में 240 मीटर दूरी तय करती है, कार की गति और 480 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बताइए। तो चलिए गति के लिए हमको क्या चाहिए, गति बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ध्यान दीजिए 6 सेकंड में 240 मीटर की दूरी, तो 240 मीटर तो दिया गया है और 6 सेकंड भी दे, 6 चौक 24 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कार की गति ज्ञात करिए, गति तो ज्ञात हो गई, अब 480 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए। तो समय बराबर होता है गति बटा सॉरी जो है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, या कह लीजिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूरी हमेशा ही ऊपर रहती है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या गति, दोनों गति या चाल आप कह सकते हैं दोनों एक ही होते हैं। तो दूरी कितनी है आपको 480 तय करनी है, गति आपने निकाल ली 40, तो 0 से 0 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 सेकेंड, ये अपना आंसर है 12 सेकेंड। और जो सेकेंड है उसको आप SEC से नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ स्मॉल एस बनाएंगे तो वो आपको सेकेंड कर लेगा, यानी कि 12 सेकेंड, ठीक है, वो बस लिख देते हैं अपना उसको लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और पहुंचने में 3 घंटे का समय लेती है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी गणना करिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय,
तो चाल कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 3, तो 12 3 36 यानी कि 360 किलोमीटर। अब देखिए यूनिट एक ही जैसी होनी चाहिए, जैसे देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय भी घंटे में है, तो इसीलिए हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। या तो सारी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में हो या तो सारी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में हो, इन्हीं दोनों में चलेगी, बाकी किसी में नहीं चलेगी, सेम यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का हवा में गेंद फेंकता है, गेंद 2.5 सेकंड में लगभग 50 मीटर लंबवत ऊपर उठती है, अगले 2.5 सेकंड में उसी स्थिति में लड़के के पास आ जाती है, मतलब गेंद ऊपर गई और यहाँ पर फिर उसी के पास आ गई। तो ध्यान रखिए तय की गई दूरी बताइए, तो तय 50 मीटर लंबवत ऊपर उठती है, तो अगर 50 ऊपर गई है 50 नीचे भी आई है, तो टोटल दूरी हो गई आपकी 100। विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया भैया 0, जो चीज़ जहाँ से गई है वहीं वापस आएगी तो 0 हो जाएगी। अच्छा अगर विस्थापन 0 है तो वेग भी 0 होगा, गति हाँ निकल आएगी। गति के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूरी बटा समय, दूरी आपने कितनी की 100। अब ध्यान रखिए गेंद 2.5 सेकंड में लगभग 50 मीटर ऊपर गई है, तो फिर 2.5 सेकंड में नीचे भी आई होगी, तो यानी कि टोटल समय लगा होगा 5, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि गति आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, विस्थापन 0 है तो वेग भी 0 है, क्योंकि वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन 0 है, तो 0 समथिंग, 0 बटा समथिंग सब 0 ही होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखिए, देखो क्वेश्चन भरपूर है, आप समझ लीजिए। यदि एक कार को शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, जिसकी शिमला से दूरी 153 किलोमीटर है, अगर कार को वापसी यात्रा यानी चंडीगढ़ से शिमला तक 5 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत गति और औसत वेग की गणना करिए। अब देखिए क्या हुआ, शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में 4 घंटे लगे, मतलब यहाँ शिमला में थे और इधर मान लेते हैं आपका ये चंडीगढ़ है, तो एक कार को शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में 4 घंटे लग गए, जिसकी शिमला से दूरी 153 किलोमीटर, मतलब ये 153 किलोमीटर है, अगर कार को वापसी यात्रा यानी चंडीगढ़ से शिमला तक जाना है, चंडीगढ़ से शिमला तक जाना है, तो 5 घंटे लगेंगे, कार की औसत गति और औसत वेग बताइए। तो चलिए भैया पहले तो औसत गति निकाल लेते हैं, औसत जहां कहीं पर भी लगेगा उसका मतलब होता है कुल, कुल मतलब दूरी। अब बताइए 153 गए 153 आए, तो टोटल जो टाइम लगा होगा 153 का डबल लगा होगा, मतलब 153 गए और 153 आए, तो 3 और 3 6, 5 और 5 10 का 0, 2 और 1 3 यानी कि 306, यानी कि दूरी हमने चली 306 किलोमीटर। अच्छा 4 घंटे इधर से लगे 5 उधर से, टोटल 9 घंटा लग गया, तो 9 से काट दोगे, 9 3 27, 5 3 हो गए 36, 9 4 36 यानी कि औसत गति आ गई 34 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सारी यूनिट आपकी किलोमीटर और घंटे में थी, तो 34 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अच्छा एक चीज़ समझिए, कार शिमला से गई थी और फिर शिमला ही वापस आ गई, तो विस्थापन आपका कितना हो गया, विस्थापन आपका हो गया दोस्तों 0, तो अगर विस्थापन 0 है तो वेग भी क्या होगा 0, तो आपसे पूछा गया औसत वेग की गणना क्या कीजिए, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड औसत वेग। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और आ गया, लो भाई क्वेश्चन बहुत है। यदि किसी ट्रेन चालक के पास बाधा देखने और ब्रेक लगाने के बीच प्रतिक्रिया समय 0.5 सेकंड लगा हो, मान लीजिए कि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ड्राइवर को बाधा दिख सकती है, तो ब्रेक लगाने से पहले तय की गई दूरी बताइए। देखो सवाल तो इतना है, बस आपसे दूरी पूछी गई है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय, तो चाल भी आपको दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि समय सेकंड में दिया गया, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, 18 चौक 72 और 4 5 20, तो यानी कि चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड और समय है 0.4, तो आप गुणा करेंगे तो 4 2 8, 8 क्या मीटर, 8 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, भैया वो 0.5 था वो हट जाएगा 0 से, तो 4 2 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसको ऐसे समझिए, यदि किसी ट्रेन चालक के पास बाधा देखने और ब्रेक लगाने के बीच की प्रतिक्रिया समय, मान लेते हैं ये ऐसे जो पटरी है और पटरी से मतलब इधर से ट्रेन आ रही है और यहाँ पर पटरी फ्रैक्चर है, इसने यहाँ से देख लिया और ब्रेक लगा दिया और यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रेक लगाते लगाते 0.4 सेकेंड हो गए,
और इसकी ट्रेन की जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, या कह लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड थी। तो कितनी दूरी तय की होगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, बस लगा दो कहानी खत्म। लो भाई एक और सवाल है, आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट सवाल है। मान लीजिए कि एक गेंद दर्पण की दिशा में वेग वी के साथ चलती है, यानी कि ये रहा दर्पण और दर्पण की दिशा के में वेग वी के साथ चलती है, और दर्पण गेंद की दिशा में वेग वी के साथ चलता है, और दर्पण भी इधर को चल रहा है, ध्यान दीजिए दर्पण भी चल रहा है। तो गेंद के अनुसार गेंद की छवि के सापेक्ष गति की गणना करिए भैया, सापेक्ष गति की गणना करिए। सापेक्ष गति जब ध्यान रखना, कोई इधर से कोई इधर से जाए, जैसे मान लेते हैं आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इधर कोई आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो जब टक्कर होगी तो आपकी स्पीड 90 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों स्पीडें क्या होती हैं, ऐड हो जाती है, यानी कि वी और वी कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2V। और यही चीज़ अगर इधर को चल रहा होता है तो घट जाती है, जैसे मान लेते हैं ये 10 की स्पीड से चल रहा है और ये वाला चल रहा है आपको 20 की स्पीड से, तो इन दोनों की स्पीड घटा देंगे तो बचेगी कितनी, 10 की स्पीड। मतलब जो एक डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीडें घट जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीडें जुड़ जाती हैं, ये आप ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चंस में भी जो है काम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ हैं उनको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं यहाँ पर, उनको भी समझिए। अब ध्यान दें ये इस वाले जो, अच्छा एक चीज आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, ऐसे ये हमेशा ही एक्स अक्ष होता है, ये हमेशा ही वाई अक्ष होता है। कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, इसमें ये वाला एक्स रहता है, ये वाई रहता है हमेशा ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो यक्ष अक्ष पर हमेशा ही समय होता है, क्या होता है, समय, ये आप ध्यान रखें। इधर बदलता रहेगा, विस्थापन होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, वेग होगा, तो ध्यान रखना। अच्छा विस्थापन और समय से वेग बनता है, क्या बनता है, वेग, ये भी आप ध्यान रखो। वेग कैसे बनेगा, विस्थापन और समय से वेग बनेगा। तो आपसे पूछेगा ये डायग्राम किसको बता रहा है, कौन से वेग को बता रहा है, यानी कि वेग आपका स्लो है, वेग आपका फास्ट है, या एक समान वेग है, या असंभव है, या विरामावस्था है, ये पांच ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो इन पांचों क्वेश्चंस के बारे में आप समझिए। तो विस्थापन और समय, तो ध्यान दीजिए, जब जब हम लोग इधर को बढ़ेंगे, इधर को, तो समझ लेना समय बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, समय। और जब ऊपर को बढ़ेगा तो ध्यान रखना विस्थापन बढ़ रहा है, या जो भी चीज़ यहाँ पर दी गई है वो बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटेड है, अब ये चीज़ इधर को बढ़ रही है, मतलब समय चल रहा है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। स्थिति मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, यानी कि दूरी हम नहीं चल रहे हैं। अब ये मत सोचना यहाँ से चल के हम यहाँ आ गए, अरे ये चीज़ ये वाला जो है स्ट्रक्चर उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे लाइन, ये तो ये लाइन लो मिटा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना माइनस में पीछे चले आए, मतलब ये है कि एक जगह पर कहीं पर हम रुके हैं, और बस ये समझ लीजिए कि समय बढ़ रहा है। तो दोस्तों जगह वही रहे और समय बढ़ रहा हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं विराम। तो इसको क्या कहते हैं, विरामावस्था है ये, विरामावस्था है, तो ये विराम की स्थिति है। तो ये कैसा डायग्राम है, विराम का डायग्राम, तो ध्यान रख लेना ग्राम को, अगर इस टाइप का डायग्राम है तो ये विराम का डायग्राम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला डायग्राम दोस्तों है, अब देखिए ये समय की स्थिति है और ये वेग की स्थिति है। अब जितना समय बढ़ रहा है उतना ही विस्थापन हो रहा है, जितना समय बढ़ रहा है उतना ही विस्थापन हो रहा है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए जितना समय उतना ही विस्थापन बढ़ रहा हो, तो इसको कहते हैं एक समान वेग, एक समान वेग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हेल्प हो सके। अब ये चीज़ समझिए, इसको कहते हैं कि समय तो एक ही जगह है लेकिन स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जब ऊपर बढ़ेंगे तो स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति में यानी कि विस्थापन, विस्थापन बदल रहा है, विस्थापन यहाँ पर थे फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँचे, लेकिन समय नहीं बदला। तो सोच के देखिए कि ऐसी चीज़ें संभव हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप दिल्ली में हैं, 3 बजे हैं और तारीख भी नहीं बदली है, मान लेते हैं 21 अप्रैल है 2024, और आप 3 बजे दिल्ली में हैं और आपने देखा कि 3 बजे 21 अप्रैल 2024 को 3 बजे ही आप कोलकाता पहुंच गए,
तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे कितनी भी बड़ी रॉकेट में बैठे हो आप, कुछ भी हो, पॉइंट सेकेंड यानी कि दशमलव करके कुछ तो समय लगा होगा, लेकिन यहाँ पर समय बदल ही नहीं रहा है, बस स्थिति बदल रही है। इस ऐसे डायग्राम को कहते हैं असंभव। इसको भगवान ही संभव कह सकते हैं। हमारे मानवों के उसमें ये असंभव बात है। तो ये डायग्राम होता है असंभव का, ठीक है। अगला, अब ये भी समझिए, एक डायग्राम और बचा है इसके बाद में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये ऐसे तीर बढ़े, यानी कि तीर ये ऐसे हो रहा है, अब ये इसका मतलब ये है कि तीर ये बिल्कुल ऐसे चल के ऐसे हो जाएगा, मतलब जब इधर को बढ़ने लगे तो समझ लेना समय बढ़ रहा है, और जब ऊपर को बढ़े तो वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समय तो स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन यानी कि दूरी बहुत कम होता है, हो पा रही है। हाँ दोस्तों, तो आप क्या समझें कि जब इधर को बढ़ेंगे तो समय बढ़ रहा है, तो ये वाला जो जो तीर है ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आप विस्थापन में तो बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, यानी कि दूरी तो बहुत कम स्पीड से तय कर रहे हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कैसा वेग कहेंगे? इसको कहेंगे वेग धीमा, यानी कि धीमा वेग। वेग धीमा कह लीजिए, वेग धीमा। अब वेग धीमा भी आ सकता है लिखकर, या कह सकते हैं वेग जो है स्लो है, आप ये भी समझ लीजिए, मतलब समय ज़्यादा लगे। भाई यही चीज़ आप समझ लीजिए, मतलब घर आपको जाना है कोचिंग से डेली, जिस स्पीड से जाते हैं उससे अगर कम स्पीड से जाएं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कहेंगे, वेग क्या है? कम है। वेग क्या है? कम है। यही चीज़ इसकी उल्टी समझो, इसको समझो। यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है, जब हम लोग ऊपर को बढ़ते हैं, ऊपर को, तो वेग बढ़ता है, और इधर को जब बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, समय तो बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन विस्थापन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब पहले यहां थे फिर यहां थे, बहुत स्पीड से विस्थापन हो रहा है, लेकिन समय में आप यहां थे फिर यहीं थे, यहीं थे यहीं पर रह पाए, मतलब समय बहुत कम बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं वेग तीव्र, यानी कि वेग ज्यादा, वेग अधिक, वेग तीव्र, सब इसी के नाम है। तो दोस्तों ये पांच टाइप के आपके जो ग्राफ थे वेग से संबंधित, वो भी हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। औसत गति क्या होती है, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ भी लिया था, औसत गति जो है, औसत गति क्या होती है? वस्तु की औसत गति वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी के लिए और कुल समय का अनुपात होता है। मतलब औसत गति क्या बराबर होता है, यानी कि कुल दूरी और बटे में लिया गया या कुल समय, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस यही है। इसका तो प्रयोग पीछे हम कर ही चुके हैं। औसत गति बराबर भी होगा, औसत वेग होगा, तो यहाँ पर होगा कुल विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो आई थिंक अब यहाँ पर कोई भी स्लाइड नहीं होगी, अब यहाँ पर धन्यवाद का मैसेज है। आप सभी लोगों को हमें भी धन्यवाद करना चाहिए, जिससे कि हम आपके साथ में और जो है लगे रहें, साथ साथ में आपका भी ध्यान रहे और अपना भी ध्यान रखें। आप सभी लोग अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको बने रहेंगे तो आपके साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको जो है लेक्चर कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, कमेंट से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आप हमें कमेंट करिए नीचे बॉक्स में, ठीक है जी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।